कटघर थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास के परिसर में देसी शराब की दुकान खुलने पर अन्य दुकानदारों ने अपना विरोध जताया है। यह कॉम्प्लेक्स दिनीबार परिसर के नाम से भी जाना जाता है। यहां आवास विकास परिषद की लगभग 14 दुकान है। देसी शराब का ठेका खुलने के कारण परिसर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने आवास विकास के आला अधिकारियों सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही प्रशासन या आवास विकास द्वारा नहीं की गई है। बता दें कि नियम अनुसार यहां शराब की दुकान खोली ही नहीं जा सकती, क्योंकि आवास विकास की शर्तों के अंतर्गत यह साफ तौर पर दर्ज है कि ना ही यहां शराब की दुकान खोली जा सकती है, ना ही किसी अन्य प्रकार का काम जो कि शर्तों के अनुरूप नहीं है संचालित किया जा सकता है। मेरा नाम नवाज है और मेरी यहाँ करीबन 20 साल से दुकान है हमारे पापा की। ये गिन्नीवार कंपाउंड है, आवास विकास का है और गिन्नीवार कंपाउंड सत्यम सिनेमा के सामने ये मार्केट है। यहाँ सब कुछ सब भाईचारे से रहते थे, लेकिन जब से शराब की दुकान आई है, जब से यहाँ क्या कहते हैं हर वक्त क्या कहते हैं यहाँ पर कूड़ा, कोई शराबी लोग उल्टिए कर रहे हैं, गंदगी हैं, यहाँ ऊपर परिवार भी रहते हैं, उनको भी परेशानी होती है। ये शर्मा जी है, इनके दुकान पर लड़कियाँ जॉब करती हैं अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और उनको भी परेशानी होती है। यहाँ हर टाइम गंदगी, गाड़ियों में कोई चीज़ इधर उधर तोड़ फोड़, रास्तों से परेशान है, कस्टमर नहीं आ रहा बिल्कुल इस चक्कर में। इस संबंध में आपने आवाज विकास से शिकायत करी थी, अधिकारियों से मिले थे? इस संबंध में हम सबसे पहले जिस दिन खुली थी दुकान ये, उसी दिन हम तुरंत हम सब लोग मिलकर थाने गए। सबसे पहले हम कटघर थाना गए, उसके बाद हमने वहाँ से जब कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें, तो फिर हम आवास विकास ऑफिस पर गए, वहाँ भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं करा। अपने नॉर्म्स को भी उन्होंने नकार दिया कि बोले अभी देखते हैं, कन ऐसे टाल दिया। फिर उसके बाद हम कमिश्नर ऑफिस, डीएम ऑफिस, एसएसपी, डीआईजी सबके यहाँ गए हैं। लगभग सभी ऑफिस में हमने वो लगा दिए हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे आवास विकास के अंदर में सारी संपत्ति आती है और वो अधिकारी कुछ संतोषजनक उत्तर दे नहीं रहे हैं, आपकी समस्या को समझ ले रहे हैं, जबकि नियम के विरुद्ध है ये, क्या आपको महसूस होता है कोई मिलीभगत है या किसी प्रकार का कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर ऐसा बात है कि उनके दो पॉइंट्स हैं आवास विकास के नॉर्म्स में, दो पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट नंबर 6 है, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई भी ऐसा कारोबार इन दुकानों में नहीं हो सकता जिससे आसपास वालों को आपत्ति हो, और 14 नंबर का पॉइंट ये है कि देसी शराब और मीट की दुकान यहाँ नहीं खुल सकती। अगर इसके बावजूद दुकान खुल रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो मिली भगत है सबकी। मेरा नाम अमरपाल सिंह है। क्या समस्या होगी आप लोग यहाँ पर? समस्या हमारी यही है, यहाँ पर जो तुम्हारी दुकान खुली हुई है दारू की, देसी दारू की, यहाँ लोगों को यहाँ पिलाया जा रहा है, आराम से बैठाया जा रहा है, नमकीन भी दी जा रही है, आराम से खा रहे हैं, ये लोग यहाँ फेंक रहे हैं और तुम्हारी उल्टी वगैरह कर रहे हैं और थूक रहे हैं जगह जगह और गंदगी फैला रहे हैं, तोड़ फोड़ भी की आशंका है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आपत्ति आ रही है यहाँ पर। सभी लोग पूरे मार्केट के बंदे मानसिक रूप से यहाँ परेशान हो चुके हैं। ठेका किसका है ये जो खुला है? ये ठेका देसी शराब का हटता है, देसी शराब। ठेकेदार कौन है, मालिक कौन है? ठेकेदार के वहाँ पर बैनर लगा हुआ है, क्या मैं देखता था उसको, क्या मैं कोई आहूजा ग्रुप से है, कोई आहूजा ग्रुप पे कोई है, मैं शायद उन्हीं का ही है। ये आप लोग शिकायत को लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स किस नाम से जाना जाता है? गिन्नीवार कंपाउंड। यहाँ लगभग भूतल पर कितनी दुकानें हैं? करीब 14 दुकानें हैं। अभी आपने एक शिकायत करी है कि यहाँ जो है शराब की दुकान खुल गई है देसी शराब की। जी जी। आप लोग काफी परेशानी पड़ रही है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि यहाँ देसी शराब की दुकान खुल गई है, बदतमीजी होती है, ऊपर रेसिडेंस है, नीचे हमारे ऑफिस में लेडीज भी काम करती हैं, सारे दिन हुड़दंग में रहता है, रात को 12-12 बजे तक आ गए हैं, बदतमीजी करते हैं लोग बाग, हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उन पर तोड़ फोड़ भी हो सकती है, कल को आगे इतनी गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने कि बहुत ज़्यादा। और जबकि ये आवास विकास के उसमें भी है कि देसी शराब की हट्टी आप नहीं खोल सकते वहाँ पे। जी ये आवास विकास का कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये शराब की दुकान खोली गई है, ये दुकान नंबर क्या है और किसके नाम इसका मेंशन हुआ था? S2 दुकान नंबर S2 है। आवंटी का नाम रमेश कुमार है नाम पूरा। आप सभी यहाँ व्यापारी लोग हैं जिनकी दुकान? जी है? जी सबकी दुकान है अपनी।